बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सुकून की 40 बातें जो आपके दिल को सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह वीडियो पूरा देखें। नंबर एक, तमन्ना आपकी सब पूरी हो जाए, हो आपका मुकद्दर इतना रोशन कि आमीन कहने से पहले आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। नंबर दो, जो आंसू अल्लाह ताला की याद में निकलता है वो अल्लाह को बहुत पसंद आता है। नंबर तीन, लोग हजार मन्नतों के बाद भी नहीं मानते और मेरा रब एक सजदे में मान जाता है। नंबर चार, हमें जो भी कुछ मांगना चाहिए वो अल्लाह से मांगना चाहिए, ना कि किसी और से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही हमारी ख्वाहिशों को पूरा कर सकता है। नंबर पांच, इंसान को अल्लाह कभी याद आए या ना आए, लेकिन दो मौका पर याद आता है, जब वह उसे कुछ देता है या फिर उससे कुछ ले लेता है। नंबर छह, अल्लाह ताला जब किसी की मदद करने पर आ जाता है तो उसको कुछ से कुछ बना देता है और उसकी गैप से मदद कर देता है। नंबर सात, इंसान की इतनी औकात नहीं कि वह अल्लाह का कोरब हासिल कर सके। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसे उसके एवो नापाकियों समेत जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लेता है। नंबर आठ, नमाज को मोहब्बत समझकर अदा करोगे तो अल्लाह पाक अगली नमाज के लिए तुम्हें खुद खड़ा कर देगा। नंबर नौ, नसीब से ज्यादा कीमती दुआ होती है, क्योंकि जब जिंदगी में सब कुछ बदल जाए तो दुआ नसीब को बदल सकती है। नंबर 10, दूसरों की कामयाबी पर खुश होना सीखो, अल्लाह आपको भी देने में देर नहीं करेगा। नंबर 11, दो ही चीजें ऐसी हैं जिसमें किसी का कुछ नहीं जाता, एक मुस्कराहट और दूसरी दुआ, हमेशा बांटते रहे। नंबर 1, दो बहुत मजबूत हूं मैं ये दुनिया जानती है, बहुत कमजोर हूं मैं यह अल्लाह जानता है। नंबर 13, मेरी औकात इस काबिल तो नहीं कि मैं जन्नत मांगूं, या रब बस इतनी सी अर्ज है कि मुझे जहन्नुम से बचा दे। नंबर 14, बहुत नवाजा है हमारे खुदा ने हमें, हमारे अमाल के बराबर मिलता तो शायद कुछ भी न मिलता। नंबर 15, जो लोग दूसरों को अपनी दुआओं में शामिल करते हैं, खुशियां सबसे पहले उन्हीं के दरवाजे पे दस्तक देती हैं। नंबर 16, अगर तुम अपनी तकब्बुर को तोड़ना चाहते हो तो किसी गरीब को सलाम किया करो। नंबर 17, इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो, सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। नंबर 18, किसी का भला ना हो सके तो बुरा करने की कोशिश ना करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। नंबर 19, मुझे इस तरह अपनी मोहब्बत में मशरूफ कर दे अल्लाह कि तौबा के बगैर मुझे नींद ना आए। नंबर 20, मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बे इंतहा मोहब्बत करने वाला सिर्फ हम मेरा रब है। नंबर 21, कैसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं देता है, अल्लाह ताला देते हैं। नंबर 22, कैसी से नेकी करते वक्त बदले की उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई का बदला इंसान नहीं देता है, अल्लाह ताला देते हैं। नंबर 23, बेशक इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद ही रास्ते निकाल देते हैं और मुश्किलें आसान कर देते हैं। नंबर 24, जीरो, डॉक्टर आपका इलाज कर सकते हैं, लेकिन याद रखे कि कहेवल अल्लाह ही है, आपको ठीक कर सकता है। नंबर 25, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह के सबसे प्यारे वो लोग हैं जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। नंबर 26, परेशानियां तो आती जाती रहती हैं और आती जाती रहेगी, बस तुम अल्लाह से कभी उम्मीद मत हारना। नंबर 27, जो बुरा कहें चुप हो जाऊं, जो सताए सब्र करो, अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देगा। नंबर 28, हमेशा उम्मीद अल्लाह पे रखो, क्योंकि इस पूरी कायनात में जितनी जल्दी अल्लाह राजी होता है इतनी जल्दी कोई राजी नहीं होता। नंबर 29, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना कभी ना भूले, क्योंकि वह आज सुबह आपको जगाना नहीं भूले। नंबर 30, अगर आप अल्लाह पर ईमान रखते हो, क्योंकि उस पर ईमान रखा ही जाना चाहिए, तो वह तुम्हें ठीक वैसे ही देगा जैसे वह परिंदों को देता है। वे सुबह खाली और भूखे पेट निकलते हैं और शाम को भरपेट होकर लौटते हैं। नंबर 31, जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करें तो उस बेचैनी की जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। नंबर 32, अल्लाह कहता है, किसी को तकलीफ देकर मुझसे अपनी खुशी की दुआ मत करना, लेकिन किसी को एक पल की खुशी देते हो तो अपनी तकलीफों की फिक्र मत करना। नंबर 33, ए इमाम वालों, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स को गौर करना चाहिए कि दुनिया में रहकर उसने कल आखिर के लिए क्या आगे भेजा है। नंबर 34, इबादत वो है जिसमें जरूरतों का जिक्र ना हो,
सिर्फ उसकी रहमतों का शुक्र हो। नंबर 45, खाना रोज खाता हूँ, पानी रोज पीता हूँ, बाजार रोज जाता हूँ, मस्जिद 7 दिन में जाता हूँ और कहता हूँ जुम्मा मुबारक भाई। नंबर 36, मैंने कहा, ए अल्लाह, मुझे इस्लाम के बारे में कुछ ऐसा बता जो मेरे लिए काफी हो और मुझे तेरे बाद किसी से इसके बारे में पूछना न पड़े। रसूल ने कहा, तू कह कि मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूँ और फिर उस पर कायम रहता हूँ। नंबर 47, जिस आदमी ने किसी से कर्ज लिया और उसकी नियत अदा करने की ना हो तो वह चोर होने की हालत में अल्लाह से मिलेगा। नंबर 38, हजरत मोहम्मद सियाबदास ने लानत भेजी है। नंबर 39, सूद खाने वाले पर, सूद खिलाने वाले पर, सूद लिखने वाले पर और उनके दोनों गवाहों पर। नंबर 40, मेरी औकात से ज्यादा तूने मुझे दिया है या रब, तू लाख मुश्किलों में भी डाल दे मुझे, तुझ पर भरोसा है। नंबर 41, दूर है नमाजों से, आरजू है जन्नत की, जो मिला दे मंजिल से वो पता नहीं लेते।